हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ सूजी का पिज़्ज़ा, और या फिर आप कह सकते हैं उत्तपम का पिज़्ज़ा, आपको जैसा मैंने आप बोल सकते हैं। इसमें मैंने बहुत कम नंबर के वेजेस यूज़ किए हैं। अभी लॉकडाउन है, आपको खाने का भी मन होगा, इसलिए मैं सोची कि चलो पिज़्ज़ा बनाते हैं। मुझे भी मन हो रहा था इसलिए मैं बनाई। अभी मैं इसे देखती हूँ कैसा बनाया, और अगर आपको पिज़्ज़ा मेरा अच्छा लगे तो आप भी बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू। उत्तपम पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बॉल सूजी ली हूँ, यानी रवा। इसको अब एक पॉट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसका डो बनाने के लिए मैं इतना कर्ड ले रही हूँ, आप देखो क्वांटिटी कितना है। अब मैं इसको सूजी में डालूँगी। अब सूजी और कर्ड को मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। आप मेरा कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कैसा है। इसको मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ दूंगी। अगर थोड़ा सा और वाटर का ज़रूरत पड़े तो मैं ऐड करूंगी, और अगर नहीं ज़रूरत हुआ तो बस इतना काफ़ी है। अब इसको एक कवर से ढक देंगे। 15 मिनट हो गया है और ये बैटर रेडी है। कंसिस्टेंसी आप एक बार चेक कर सकते हैं। और इसमें मैं अब थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे। एक कढ़ाई को मैं गरम कर ली हूँ, इसमें अब थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल है ये। ऑयल को गरम होने के लिए थोड़ा देर छोड़ देते हैं, जब ये हीट हो जाएगा उसके बाद मैं बैटर को डालूँगी। ऑयल हीट हो गया है, अब मैं बैटर को डालूँगी। बैटर को थोड़ा थिक रखेंगे। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम होने के लिए रखा था, और बैटर को इसमें फिर डाल दिए, और थोड़ा सा पकने के बाद इसको एक बार टर्न कर लेंगे। ये बैटर थिक था इसलिए इसको बनने में 5 मिनट लगा, और 5 मिनट के बाद मैं इसको टर्न की हूँ। अब मैं इसमें सॉस डालूँगी, कोई भी केचप आप डाल सकते हैं। मैं इसमें रेड चिली एंड टोमेटो केचप डाल रही हूँ, और टोमेटो केचप को इस तरह आपको स्प्रेड करना है। और थोड़ा सा रेड चिली सॉस भी डालूँगी, क्योंकि ये आप चाहे तो सिर्फ टोमेटो केचप से भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा चिली सॉस को स्पाइसी बनाने के लिए कर रही हूँ। अब मैं इसमें चीज़ स्प्रेड करूँगी। मैंने पहले से इसको ग्रेट करके रखा हुआ था, और इसमें पूरी अच्छे से, अगर आपको ज़्यादा चीज़ खाना है तो आप ज़्यादा से स्प्रेड कर दीजिए, कम चीज़ खाना है तो कम चीज़ स्प्रेड कर सकते हैं। मुझे पिज़्ज़ा में चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करना आपको कितना डालना है। अब मैं इसमें अपने पसंद के अकॉर्डिंग वेजेस डालेंगे। तो कैप्सिकम, आप चाहे तो रेड ग्रीन येलो कैप्सिकम डाल सकते हैं। मैं इसमें ग्रीन कैप्सिकम, टोमेटो एंड ऑनियन को स्क्वायर शेप में काट के इसमें डाल रही हूँ। और ये मेरा वेजिटेबल्स का टॉपिंग हो गया। इसको थोड़े देर के लिए कवर कर देंगे। मैं अब ओरिगेनो मसाला, पिज़्ज़ा मसाला डालूँगी। ये ओरिगेनो मसाला से पिज़्ज़ा बहुत ही यम हो जाएगा, आप देख रहे हैं कितना अच्छा दिख रहा है। और रेड चिली फ्लेक्स, और अब लीड को कवर कर देंगे इसमें। लीड को कवर करने के बाद ध्यान रहे गैस का फ्लेम लो होना चाहिए, नहीं तो वो जल जाएगा, इसलिए याद से गैस का फ्लेम लो रखना है। 3 to 4 मिनट दबाती 3 to 4 मिनट हो गया है। अब मैं इसका लीड हटा के एक बार चेक कर लूँगी कि कैसा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, बिल्कुल ही पिज़्ज़ा की तरह। तो अगर आपको लॉकडाउन में खाने का मन करता है पिज़्ज़ा, तो आप इस तरह सूजी से बना सकते हैं। ये हेल्दी भी है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा चीज़ ज़्यादा है।
यम्मी पिज़्ज़ा मेरा रेडी हो गया है। अब मैं इसे पिज़्ज़ा कटर से एक बार काट के दिखाती हूँ। ये देखिए आप कैसे इसमें चीज़ का स्प्रेड हो रहा है, और ये देखो मेरा पिज़्ज़ा का स्लाइस कितना बढ़िया चीज़ी चीज़ी बना है, यम्मी। और अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।